जब मंजर आने का समय होता है उसमें मधुआ का सबसे बड़ा प्रकोप होता है, उससे सबसे ज़्यादा हानि उस समय में होती है, क्योंकि मधुआ जो कीड़ा होता है जी वो रस चूसा कीड़ा होता है। आम के मंजर को झड़ने से कैसे रोकें, किन दवाइयों व कीटनाशकों का करें प्रयोग, जानिए पूर्णिया कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ के वरीय वैज्ञानिक क्या कहते हैं। कोई भी किसान अपने आम के फसल को किस तरह देख रेख कर सकते हैं और मंजर को किस तरह बचा सकते हैं? देखिए, किसान बंधु को तो ऐसे सालों भर देख रेख करनी चाहिए जिससे कि अच्छी आम के उत्पादन ले सकें, लेकिन जब मंजर आने का समय होता है उसमें खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसमें मधुआ कीट का काफ़ी प्रकोप होता है जिससे कि वो जो कोमल पत्तियां हैं, कोमल कोमल फूल हैं, उसे रस चूसते हैं जिससे कि उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए उस समय में जो खास दवाइयां हैं उसका छिड़काव करना अत्यंत जरूरी है, जिसमें कि इमीडा क्लोपीड 17.8 SL आधा ml प्रति लीटर के साथ में कार्बेंडाजिम 1 g/L के हिसाब से उसमें अगर छिड़काव कर लेते हैं तो फिर इस मधुआ कीट का नियंत्रण होता है। लेकिन जो फूल के समय में इसका छिड़काव नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मित्र कीट का विचरण होता है, वो भी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी जो है उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए हम फूल के समय बचाएंगे। इसके बाद फिर जब मटर के दाने के आकार के फल होते हैं उस समय में इमीडाक्लोपीड हो या फिर थाइमेथोक्सिम जो हमारा कीटनाशक है उसका प्रयोग करेंगे, और साथ में कार्बेंडाजिम मिला लें तो और बेहतर है। और उसके साथ प्लानोफिक्स एक दवा है जिसे कि आम के जो है फल ना गिरें, इसके लिए प्लानोफिक्स वह एक 1 ml प्रति 4 L पानी के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो है किसानों की जो समस्या जो इस समय झड़ने की आती है वो भी समस्या का समाधान हो सकता है, और बाग में मटर के दाने आने के बाद मन नमी जरूर बरकरार रखें। तो अभी इस समय में किसान आम के मंजर पर इस दवाई का छिड़काव कर सकते हैं? अभी जो है इमीडाक्लोपीड और कार्बेंडाजिम दवा का छिड़काव कर सकते हैं। ये कितने दिनों पर दिया जाना है? अभी जो है फूल आने से पहले भी आप दे सकते हैं, फिर जो है फूल मतलब जब समाप्त हो जाए मटर दाना होता है फिर उसमें आप दे सकते हैं। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर सीमा कुमारी, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णिया जलालगढ़। पूर्णिया कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ के जो वरीय वैज्ञानिक है इन्होंने किसानों को कहा कि अभी आप अपने आम के फसल के मंजर को झड़ने से कैसे रोकें और उसमें जो लगने वाले कीटनाशक हैं उनसे भी बचाव करने के लिए इन्होंने सुझाव दिए। न्यूज 18 डिजिटल पूर्णिया से विक्रम जा